आप देख रहे हैं वेद संसार। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके साथ कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सके। और दोस्तों साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों यह सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसके आसपास के माहौल का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसके संकेत प्रकृति के द्वारा पहले से ही मिल जाते हैं। वैसे तो भविष्य में जो होना है वह होकर ही रहेगा, उसे हम या आप कोई बदल नहीं सकता। बता दे कि कोई ना कोई इस घटना का निमित्त बनता है। श्री रामायण में साफ वर्णित है कि अयोध्या के राजा दशरथ को पहले से ही ज्ञात था कि उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। वह चाहकर भी भगवान श्री राम को वनवास जाने से रोक नहीं पाए। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि होनी अनहोनी ईश्वर के हाथ में है। आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा यह तो कोई भी जान नहीं पाता, लेकिन हाँ कुछ इशारे और कुछ आहटे ऐसी जरूर होती हैं जो आपको अपने आने वाले पल का एहसास करा देती हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं विस्तार से कि क्या है वे लक्षण। जब कभी आपके हाथ से या जेब से पैसे या रुपए जमीन पर गिर जाएं, तो तुरंत उसे उठाकर सिर से लगा लें और धन की देवी लक्ष्मी से क्षमा मांगे। कहते हैं कि आर्थिक नुकसान से बचाव होगा। बता दे कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर घर की मुंडेर पर एक या अधिक कोई आकर बैठ जाएं, काम करते हुए नजर आएं, तो समझ जाइए कि आपके घर में अतिथियों का आगमन होने वाला है। बता दे कि अगर किसी पानी भरे हुए बर्तन में कोई स्नान करते हुए दिखाई दे तो यह समझ लेना चाहिए कि लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। जिस घर में कोई दाना खाते पीते हो वहाँ किसी भी प्रकार की कमी कभी नहीं रहती। और अगर तेल के बर्तन में कुआं चोंच मारे तो उस घर से संकट दूर हो जाते हैं। घर का नल, पानी की टंकी या फिर बिजली का सामान खराब हो जाए तो ध्यान दे, क्योंकि यह धन हानि का संकेत होता है। पति पत्नी में बात बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो समझ जाए, अन्यथा आपका धन डूब सकता है। यही नहीं, हमेशा हाथ आए हुए अफसर को लपक कर थाम ले। कोई भी अफसर हाथ से जाने नहीं दे, अन्यथा किस्मत के भरोसे रहने वाले व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। बता दे कि पेट से संबंधित रोग होना बीमारियां बढ़ने की तरफ पहला कदम होता है। अच्छा यही होगा कि आप समय रहते ही उचित इलाज करवा लें। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कुत्ते को भैरव का सेवक माना जाता है। घर में अगर आपके कुत्ता है या फिर आप किसी कुत्ते को रोज भोजन करवाते हैं तो आपके घर में जरूर धन और समृद्धि आएगी। वहीं अचानक से पालतू जानवर की मृत्यु हो जाना घर परिवार में अशुभता लाता है। जान लें कि अगर घर में काले चूहे बढ़ जाएं तो समझ लें कि घर का कोई सदस्य गंभीर बीमार होने वाला है। चूहे लकड़ी के फर्नीचर को कुतरने लगे तो समझ जाएं घर में कोई बुरी घटना हो सकती है अथवा दुखद समाचार भी मिल सकता है। वहीं अगर पानी की टंकी से छत पर सीलन हो रही है तो यह भी धन संबंधी समस्याओं को उभरने की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों यह थे कुछ संकेत जिनसे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके साथ कुछ अशुभ हो सकता है और उसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आया तो कृपया हमारी गलतियां हमें जरूर बताइए। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।